कांस्टेबल भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, परीक्षा में बैठाए किसी और को और फिजिकल में पकड़े गए दोनों। सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में फर्जीवाड़े के जुर्म में भरतपुर के दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गंज थाना पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों ने एग्जाम में किसी और को बैठाया था और उसी एग्जाम का जब कल फिजिकल हुआ तब इनकी बायोमेट्रिक मैच नहीं हुई और दोनों को पकड़ लिया गया। इसके बाद आज पुलिस ने दोनों आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया। इस मामले में अनुसंधान जारी है। दोनों युवकों को आगे कोर्ट में पेश किया जाएगा। घनश्याम और वरिंदर नाम के दो लड़के हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने सीआरपीएफ में कॉन्स्टेबल के लिए एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन ये खुद एग्ज़ाम में नहीं बैठ कर के जब दूसरा आदमी एग्ज़ाम बैठा वहाँ उसकी बायोमेट्रिक हुई, एग्ज़ाम में ये दोनों पास हो गए। उसके बाद अभी 23 तारीख को कल इनका शारीरिक दक्षता का टेस्ट था, उसमें ये टेस्ट देने आए तो इनका जब बायोमेट्रिक किया गया तो बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हुआ, प्लस इनकी फोटो का मिलान नहीं हुआ। इनको लाकर मुकदमा दर्ज किया, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। सीआरपीएफ की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है। कौन सा एग्जाम है ये? कॉन्स्टेबल का। मेन बात ये है कि इन्होंने एग्जाम नहीं दिया, रिटर्न एग्जाम दूसरा दिया की जगह पर। दो जने? हाँ दो जने।